काम करते थे मैडम, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें दो हफ्तों से तनख्वाह नहीं मिली है, हम क्या खाएंगे? ये ऐसा नहीं कर सकते। वो कर चुके हैं, कोई फायदा नहीं, खेल खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मैं जा रहा हूँ एनी, मैं शिकागो वापस जा रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो एनी। जब तुम छोटी थी तभी से लोग तुम्हें धोखा देते आए, अब तुम्हें अपने लिए सोचना होगा, कोशिश करो कि वो किताब तुम्हें मिल जाए। जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, जब भी कुछ पाने के लिए तुम मेहनत करती हो तकदीर बीच में आकर तुमसे छीन लेती है, पर इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार नहीं। हेलो मिस्टर वेस्टन। ओह, फिर तुम आ गई। देखो मिस, मैंने पहले ही बताया, मेरे ऑफिस आओ और मेरे सेक्रेटरी के पास अपनी तस्वीरें छोड़ दो। अब मैं ऐसा क्यों करूं जब मैं आपसे खुद मिलकर बात कर सकती हूं? क्योंकि एक समझदार लड़की ऐसा ही करती है। पर मैंने आपकी तस्वीरें भिजवाई थी, आपने बिना देखे लौटा दी। मैं क्या करूं, जैक ड्रिस्कल सिर्फ गिने चुने लोगों के साथ ही काम करता है। एक मौका दे दीजिए, इतना ही तो चाहती हूं। सर खाओगे, लेकिन तुम हार। मिस्टर वेस्टन, इस किरदार को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत देर हो चुकी है क्योंकि वो रोल किसी और को दे दिया गया। लेकिन अफसोस है मिस, कहां ना आर्टिस्ट चुन ले गए हैं। जानता हूँ वक्त खराब चल रहा है, मेरी सलाह मानोगी? अपने हुनर का इस्तेमाल करो, तुम बुरी नहीं दिखती, तुम जैसी लड़की को भूखे मरने की जरूरत नहीं। एक नया अड्डा है अभी खुला है, ये लो मिस डेरो, ये नौकरी कोई मशहूर थिएटर की नहीं है, समझी? कैनी के से मिलना, उसे कहना मैंने भेजा है, बस अपना काम करना, पैसे लेना और भूल जाना कि तुम कभी वहां थी। कितनी बाकी है फिल्म? और 5 रील सर। लाइट जलाओ। बस इतनी ही है? हमारे 40,000 के बदले में यही मिलेगा हमें जन्म, तुम्हारी एक और जानवरों की फिल्म। तुमने ब्रूस बैक्स्टर और मॉरिन मकेंजी के गर्मा गर्म सीन्स के वादे किए थे। आप जानते हैं क्या तय हुआ था? हमने फैसला किया था कि मॉरिन की शूटिंग दांत ठीक होने के बाद ही करेंगे। हमें काम के तरीकों में नहीं पैसों में ज्यादा दिलचस्पी है। काल, तुम 2 महीने से इस फिल्म पर काम कर रहे हो, यकीन कीजिए मैं ब्रूस और मॉरिन के गर्मा गर्म सीन जहाज पर शूट करूंगा। कौन सा जहाज? वही जो हमें शूटिंग की लोकेशन तक ले जाएगा। कौन सी लोकेशन काल? तुम्हें स्टूडियो के कंपाउंड में सेट पर काम करना है। हाँ जानता हूँ, मगर दोस्तों अब हम वो फिल्म नहीं बना रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहानी बदल गई है, फिल्म फिर से लिखी जा रही है, क्योंकि जिंदगी ने दस्तक दी है। दोस्तों मेरे हाथ एक नक्शा लगा है, एक ऐसे टापू का जिससे दुनिया अब तक अनजान थी, एक ऐसी जगह जिसका जिक्र किताबों और कहानियों में भी नहीं है, कहीं भी नहीं। ओ काल, आराम से समझाओ, क्या ये और पैसे मांग रहा है? ये हमें सलाह दे रहा है कि पैसे हवा में लगाए। मैं बात कर रहा हूँ उस पुरातन दुनिया की जिसे इस युग में किसी ने नहीं देखा, वो सभ्यता जो अब खंडहर में बदल चुकी है, एक ऐसा मंजर जो आपकी सोच से भी परे है, उसी पर मैं अपनी फिल्म बनाऊंगा। उसमें जंगली लड़कियां होंगी। जंगली लड़कियां? हाँ, बिना कपड़ों के जंगली जवान खूबसूरत लड़कियां। मेरे तजुर्बे से लोग ऐसी फिल्मों को सिर्फ बिना कपड़ों में जंगली लड़कियों को देखने के लिए ही जाते हैं। आप क्या बेवकूफ इंसान है? किसी अच्छे प्रोड्यूसर ने फिल्म डायरेक्टर से पूछा क्या वो नंगी लड़कियां दिखाएगा? नहीं, वो फिल्म बनाने वाले की इज्जत करते थे, इसीलिए वो महान बने। आपकी तरह सोचते तो एक बी ग्रेड के प्रोड्यूसर बने रह जाते। क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगे काल?
वो मुझे दो जल्दी। तुम्हें मजा नहीं आएगा, इसमें शराब नहीं है। प्रेस्टन अभी तुम बच्चे हो, फिल्म के धंधे के बारे में तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। उसको मत निकालो, माना कि वो गरम दिमाग का है, पर कार्ल डेनम ने कुछ दिलचस्प फिल्में बनाई है, वो कामयाबी के नजदीक आ चुका है। वो सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए काम करता है। तो ऊंची सोच पर काबिलियत नहीं है, बर्बादी उसके चेहरे पर लिखी हुई है। मैं तुम्हारी नाराजगी समझता हूँ। कुछ नहीं कर सकता, उसके पास दिमाग ही नहीं है। वो खत्म हो चुका है, वो बर्बाद हो चुका है, सारा शहर जानता है। वो बेवकूफ तंग दिमाग हमें कंगाल बना देगा। अब तक जो छूट किया वो बिकेगा जरूर, यूनिवर्सल से अच्छी कीमत में खरीद लेगा। तो बेच दो, ये पिक्चर रोक देनी चाहिए। इस मुसीबत का कुछ तो हल निकालना होगा मिस्टर बक। उसे वापस बुलाओ। मिस्टर डेनम, एक घंटे में मुझे एक्टर और यूनिट के लोग चाहते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कर सकते। उनसे कहो स्टूडियो वालों ने उनसे जल्दी निकलने को कहा। कानून ठीक नहीं है। क्या वो गंदा ठोकेंगे? हाँ, उसको इधर उन्हें भी ठोकने दो। मैं उन्हें अपनी फिल्म बर्बाद नहीं करने दूंगा। क्या क्या तुम्हें मालूम नहीं है? कैमरा बाकी सामान जहाज पर नहीं है। हमारे पास ना कोई परमिट है, ना कोई वीजा है हमारे पास। तुम कब काम आओगे? ये कोई फॉरेन करेंसी नहीं है, बल्कि हमारे पास तो कोई पैसा ही नहीं है। काल जल्दी कार, जहाज के लिए पैसे कौन देगा? फिक्र मत करो प्रेस्टन, इस सब की आदत है मुझे। एड़ों के साथ एड़ा बन के पेड़ा खाता हूँ मैं। तो रेड लेबल विस्की एक ट्रेट जिस पर लिखा होगा लेमनेड, ठीक है, हो जाएगा। मॉरिन से कहना कि मेकअप करने में 6 घंटे ना लगाए। अगर इस फिल्म में काम करना है तो उसे जहाज पे पहुंचना पड़ेगा। वो इस पिक्चर में काम नहीं करना चाहता। मॉरिन ने मना कर दिया। उसने मना कर दिया? हाँ हाँ, कल ही तुम्हें बताया तो था। तुमने उससे कह दिया था ना कि हम सिंगापुर शूटिंग करेंगे? कहा था कि नहीं? हाँ, लेकिन अब हम सिंगापुर में शूटिंग नहीं कर रहे ना। कसम से प्रेसन, उसकी आंखों में आंखें डालकर झूठ कहना था यार। फोन के पास रखो, हाल उसकी सेक्रेटरी से बात करो। नहीं, वो भी नहीं मिल रही है। I'm Aloy, Jean Blondel, किसी को पकड़ो। May West? नहीं, उसका साइज अलग है। हमें ऐसी लड़की चाहिए जो मॉरिन के साइज के कपड़े पहन पाए। वे का साइज सही है? हाँ, उसका साइज सही है, पर वो आरकेओ स्टूडियो के लिए पहले से ही पिक्चर कर रही है। आरकेओ? मुझे पहले से ही शक। हमें शूटिंग को रोकना ही होगा, इस पिक्चर को बंद करना ही पड़ेगा। हम आज रात को नहीं निकल पाएंगे। ये नहीं हो सकता। काल, मैं हीरोइन को ढूंढ के ही रहूंगा। प्रेस्टन हार के बजाय जीत की क्यों नहीं सोचते? जैक को बुलाओ, मुझे वो साला फिल्म का स्क्रीन प्ले चाहिए। और सिर्फ कुछ पलों के लिए। एक बार मैंने भी काम किया था वहाँ। बड़ी जालिम ऑडियंस है, अगर मजा ना आए तो जान निकाल देते हैं। मिस्टर डेनम,
देखिए आप अच्छी तरह से समझ लें कि मुझे अजनबियों से एहसान लेने की आदत नहीं है और ना ही ऐसी कोई चीज लेने की जो मेरी नहीं। मुझे लगता है शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। दरअसल कुछ दिनों से मुझे तनख्वाह नहीं। ये तो बहुत बुरी बात है। खैर सुनो एन बुला सकते हो? तो ये बताओ एन कि तुम्हारे कपड़ों का साइज क्या है? नहीं, ओह गॉड, मिस्टर ओ, आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। देखिए मैं उस किस्म का आदमी नहीं हूँ। तो आप किस किस्म के आदमी हैं? तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो एन, मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ। यकीन करो मैं साफ सुथरा आदमी हूँ, गंदगी से बहुत दूर रहता हूँ। प्लीज बैठो। कहानी ऐसी है कि दूर पूरब दिशा में एक बहादुर नौजवान सफर कर रहा है। तो आप उस तरफ कहीं शूटिंग करें? सिंगापुर में। जहाज में उसकी मुलाकात एक ऐसी अजीब लड़की से होती है जो खूबसूरत है, मासूम है। उस मुलाकात के बाद वो लड़की अपने आप को काबू में नहीं रख पाती, जैसे कोई अनजान शक्ति उसको मजबूर कर रही हो एक ऐसी राह पर जाने के लिए जहां से वो लौट नहीं सकती। उसे लगता है जैसे उसकी सारी जिंदगी इसी पल का इंतजार कर रही थी। और फिर प्यार पर कभी ना यकीन करने वाले उस लड़की को प्यार हो जाता है। Exactly. पर उसे यकीन नहीं होता क्योंकि उसे मोहब्बत पर ही यकीन नहीं है। ऐसा होता है? अगर वो किसी से प्यार करे तो तबाह हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? अच्छे पल हमेशा रहते नहीं मिलते थे। तो तुम राजी हो? तो भी ठीक है। देखो मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहता पर हमारे पास वक्त की जरा कमी है। नहीं असल में मेरी बात सुनो, तुम रोल के लिए सही हो। तुमसे उदास चेहरा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। तुम दर्शकों को रुला दोगी, दिल तोड़ दोगी उनका। आप गलत सोच रहे हैं मिस्टर डेनम, मैं लोगों को हंसाती हूँ यही करती आई। आपके फिल्म के लिए शुभकामनाएं। मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ, साथ में रोमांच, शोहरत, एक सुनहरी मौका, लंबा समुद्री सफर। अगर स्क्रिप्ट पढ़ना चाहती हो जैक ड्रिस्कल स्क्रिप्ट लेकर पहुंचता ही होगा। जैक ड्रिस्कल? बिल्कुल, क्यों, क्या हुआ, जानती हो उसे? नहीं मैं मिली नहीं हूँ, नाटक देखे उनके मैंने। क्या लिखता है? हाँ एक बात बताओ एन, जैक ड्रिस्कल नहीं चाहता कि ये रोल इस पिक्चर में कोई भी ऐरा गैरा करे। उसने मुझसे कहा काल कहीं पर एक लड़की है जो सिर्फ ये रोल करने के लिए बनी है, और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मुझे लगा। क्या लगा? कि ड्रिस्कल की तलाश खत्म हो गई। बाहर से गंदा खटारा सा दिखता है मगर अंदर भोजन है। बस इतना ही सामान है? जी हाँ बस इतना ही। कैमरा तो मैंने नॉवल का है ना, लेंस सारे ले लिए, दो नंबर का लेंस है। हाँ सामान जहाज पर जल्दी रखो, चलो। बहुत बुरा हुआ, वो रास्ते में है और यही बना रहे हैं। कौन? पुलिस वाले। और कौन? स्टूडियो ने पुलिस वाले को बुला लिया है। एंगलहॉर्न लंगर उठाओ, जहाज चलाने की तैयारी करो। क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? निकलना है हमको अभी। मैं नहीं कर सकता, हमें मैनिफेस्ट नहीं मिला। क्या वो क्या है? अब क्या पंगा है? यात्रियों की लिस्ट मिस्टर डेनम। मैं अभी यहाँ से निकलने के 1000 और दूं। आपने पहले 1000 तो अभी तक दिए नहीं। इसके बारे में हम बाद में बात नहीं कर सकते। देख लीजिए कितनी बड़ी हस्ती है हमारे साथ। तो आप इस समुद्री यात्रा के लिए तैयार हैं? जरूर। डर लग रहा? डर नहीं, तो
अक्सर औरतें ऐसा खतरा मोल नहीं लेती। क्यों ना मैं आपको आपका कैबिन दिखा दूं मिस्टर एरो। क्या कमाल सोचते हो। शुक्रिया मिस्टर। मिस्टर एरो अगर आप इस तरफ आएंगी तो मेरा नाम प्रेस्टन है, मैं काल का असिस्टेंट हूँ। तो डील पक्की रही 2000 में। तुम्हें क्या चेक चलेगा? तुमने कैश दिया है कभी? आइए प्लीज मेरे साथ आइए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो एक मिनट दोस्तों जरा आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हिचक मत कीजिए। थिएटर में नो पैसा। ओह नो, वो भाग गया। पैसे तो तुम फिल्मों से ही कमा सकते हो जैक। काल मैं पैसों के लिए काम नहीं करता, मुझे थिएटर से प्यार है। नहीं प्यार नहीं, अगर सच में प्यार होता तो तुम कूद जाते। ये सब तुम्हारी गलती है। बहुत आलाम है, हल्की रोशनी और ताजी घास फूस बहुत है। ठीक है, तुम लोग ये क्या रखते हो?
चेल, चीते, हिपो, सब है शाम। और कहाँ बेचते हो? चिड़ियाघर? चिड़ियाघर, सर्कस। कप्तान साहब को अच्छे पैसे मिलते हैं स्पेशल जानवरों के। चमाना ऊंट फल फल हक देते हैं, मिटते नहीं है डब्बे। कप्तान किसी भी जंगली जानवर को पकड़ सकता है, वो तुम्हें सफेद गेंडे को सस्ते में दे देगा। मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपको एक अच्छा केबिन नहीं दे सका। क्या ये जगह आपके पसंद की है? तारीफ करना मुश्किल है। वैसे आप हैं क्या मिस्टर ड्रिस्कल, शेर या एक बकरी? ये कमरा ठीक है। करना कप्तान, लंपी बोला। लंपी हुक्म नहीं देता। क्या पूरे जहाज को बेहोश करना चाहते हो? ये सब हटाओ यहां से। करनी है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचना है। मैं वैसा ही कर रहा हूँ मिस्टर हेस, ये देखिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये तुम्हें कहाँ से मिली? मैंने उधार लिए एक लंबे अरसे के लिए। देखिए ये देखिए, पानी के जहाज पर एक अनोखा सफर, बिल्कुल हमारी तरह। जहाज के इंजन की आवाज आ रही है, लहरे, कैमरे का शोर, हवा, न जाने क्या क्या। मैं कुछ नहीं जानता भाई, साउंड रिकॉर्ड सिस्टम हो, तुम देखो क्या करना। एन, अंदर आ जाओ, तुम्हें अपनी टीम से मिलाता हूँ। ये है हब, हमारे कैमरामैन। आपसे मिलकर खुशी हुई। जी, मुझे भी। बहुत बढ़िया लग रही है आप, पूरी ड्रेस। ये पुरानी है, ऐसी डाली। ये मॉर्निंग की ड्रेस है ना? अच्छा ये बताइए कि यहाँ मुझे नाश्ता करने के लिए किससे कहना होगा? हाँ, लंबे मैडम का नाश्ता गर्म गर्म और जी ब्रेड के साथ। ओ एन, शायद तुम इनसे नहीं मिली हो। ये है एन। कुछ मत कहिए मिस्टर टेनर, मैं जानती हूँ ये कौन है। बहुत खुशी हुई, यहाँ होना मेरे लिए गर्व की बात है।
अच्छा, असल में मैं आपके काम से वाकिफ हूँ। सच? जी हाँ, जिस तरह से आपने आम लोगों की आवाज को अहमियत दी है, वाकई कमाल की बात है। लेकिन वो तो मेरा काम है। आपने ये बात पहले भी सुनी होगी मिस्टर ड्रिस्कल, पर बुरा ना माने तो आप अपनी तस्वीर की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। माफ कीजिएगा। एक मिनट बॉय, सुनो। ये तो रूबरू दिखने में जवान है और कहीं ज्यादा खूबसूरत भी। बस करो, बस करो। आपको बता दो, मुझे तो डर था कि आप अपने आप में ही खोए हुए इंसान होंगे। माफ कीजिए, मैं वो होते हैं ना नकचरे से लेखक जो बिल्कुल एकदम। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा मिस्टर। ये किसने किया? मत लेना वरना। वो किनारे पर खड़ी है और उसे अब तक नहीं मालूम कि वो लोग एक तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। चल गया ना। और तब वो ऑफिसर उसकी तरफ लड़खड़ाता आ रहा और उसके पीछे एक बड़ा चाकू नजर आता है। एक सेकंड, क्या हम ऑफिसर को शुरू में मारने वाले? मान लेते कि वो जानती है कि ऑफिसर कौन है। क्या यार जैक, वो सिर्फ एक गलती थी। एन तुम्हें पहचान नहीं पाई, ये किसी के साथ भी हो सकता है। मैं मजाक कर रहा था कार। वो लड़की डरी हुई है, वो अपना मुंह फेर लेती है और तब तो देखती है। क्या देखती है? क्या वो जजीरा? तो अब हम जैसे पर शूटिंग करेंगे। ये सब हुआ कब? जैक, अपनी आवाज को नीचे रखो। जहाज के कर्मचारी आसपास है, वो डर जाएंगे। आखिर ये लोग डरेंगे क्यों? जजीरे का नाम क्या? अच्छा सुनो, उस जजीरे का नाम तो है पर इतना समझ लो सुनने में डर सा लगता है। उसका नाम है स्कल आइलैंड, मौत का जजीरा। समझ में आया? लेकिन इस जगह में खराबी क्या है? काम के हिसाब से तो कुछ खराबी नहीं है, क्योंकि असलियत में अब तक ढूंढा ही नहीं गया है। तो वही पहुंचाते हैं। एस के यू एल एल तैयार है और एक्शन। कितना मजा आ रहा है, मैंने जहाज पर पहले कभी सफर नहीं किया और मैं इसके पहले कभी किसी औरत के साथ नहीं आया। यानी कि आपको औरतें जहाज पर अच्छी नहीं लगती? हाँ, क्योंकि वो एक झंझट है। मैं कोशिश करूंगी कि ना बन। उनका आसपास होना ही एक मुसीबत है। मैं कहती हूँ ना, मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी। लड़कियों का जहाज पर होना ही खतरनाक है, वो मजाक किरकिरा कर देती है और भरोसे के लायक नहीं है। काट। ब्रूस, बहुत अच्छा काम किया। 10 मिनट आराम कर लो। वाकई कमाल था यार, मैं तो हिल गया। क्या सोचते हो ड्रिस्कॉल, डायलॉग ठीक ठाक जा रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल पानी की तरह। तुम्हारे डायलॉग में जान डाल दी मैंने। लिखी हुई लाइन बोलो तो बेहतर होगा। तुम्हारे सीन को बेहतर बना दिया मैंने, अब तुम मुझे एक्टिंग सिखाओगे? कलाकार दुनिया घूमते हैं मगर आईना देखने के अलावा कुछ नहीं आता। अच्छे पैर अब मतलब जहाज में चलने के लिए अच्छे हैं। हाँ, ये नहीं कि तुम्हारे पैर अच्छे नहीं है, मैं बस ऐसे ही कह रहा था। क्या कह रहा हूँ,
मिस डेरो, ब्रूस के साथ आज जो सीन था वो, हाँ वो आपने उस तरह से नहीं लिखा था, लेकिन मैं क्या करूँ, मिस्टर बैक्स्टर का मानना था कि जब एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है तब वो उसे अनदेखा कर देता है और तभी जाकर उसे वो लड़की मिलती है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं। अच्छी सोच है बाकी। नहीं शायद मुझे, अच्छा मेरा ये मतलब नहीं था, पर नहीं मैं, मुझे माफ कर दीजिए, तुमने अपने हिसाब से सही किया, मैं घबरा गई थी, बहुत मजा आया सच तुम्हारी वजह से, मैं शर्मिंदा हूँ वाकई में। मिस्टर इतना घबराया मत करो, एक बार फिर से करते हैं। आप जरा हमें शूटिंग करने देंगे? जी हाँ जी, शुक्रिया। हम बहुत गरीब हैं, दक्षिण पश्चिम की तरफ मोड़ लो। दक्षिण पश्चिम में मीलों तक जमीन नहीं है, ये रास्ता हमें कहीं और ले जाएगा, समुद्र में अंधों की तरह चलते रहेंगे, इससे तुम्हें खूब फायदा होगा, वहां तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और चलने में तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता, अगर आपसे कहा जाए कि ये जहाज सिंगापुर के लिए निकला था तो आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा बिल्कुल गलत बोला गया था जहेज, कल रात से तो हम दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम सही जगह जा रहे हैं। नहीं, हम वहां जा रहे हैं जहां आप जाते हैं। हाँ सही कहा, हम स्कल आइलैंड ढूंढने जा रहे हैं, ढूंढेंगे, फिल्माएंगे और दुनिया को दिखाएंगे, चंद पैसों में लोगों को दुनिया की आखिरी अनजान जगह दिखाएंगे। इसके बारे में कहना मुश्किल होगा। क्या मतलब? 7 साल पहले मैं और मिस्टर हेज एक नॉर्वेजियन जहाज पर काम करते थे, वहां हमें एक लापता आदमी मिला समंदर में, कई दिनों से भटक रहा था, उसका जहाज एक जजीरे से टकरा कर टूट गया था, एक जजीरा धुंध में। उसने बताया वहां एक बहुत बड़ी दीवार थी, इतनी पुरानी बनी थी कि कोई नहीं जानता कब बनी, 100 फुट ऊंची दीवार, आज ये मजबूत जैसे जमाने पहले थी। दीवार बनाई ही क्यों है? उस भट्ट के आदमी ने कैसे दानों के बारे में बताया, जो ना तो जानवर था ना आदमी, पर एक जिंदा भूत की तरह उस दीवार के पीछे छुपा हुआ था। एक शेर या चीता, एक आदम को वही होगा और क्या होगा। उसने और क्या कहा? कुछ नहीं, अगले दिन उसने अपने सीने में चाकू मार लिया था। माफ करना दोस्त, तुम्हारी कहानी में दम नहीं है, ये राक्षस सिर्फ बी क्लास की फिल्मों में होते हैं। अगर वो जगह आप ढूंढ भी लेते हो
और अपने दोस्तों और कैमरा के साथ किनारे पर जाते हो तो बचकर नहीं आओगे। जितना समझ में आए समझ लो। शब्दों में बयान नहीं हो सकता। आपके लिए कैप्टन, ये क्या हो रहा है? ए, रास्ता क्यों बदला तुमने? एंगल वहां हो चले। तुम्हें गिरफ्तार करने का वारंट निकला है, तुम्हें मालूम था? मुझे रंगून की तरफ मोड़ने का ऑर्डर मिला है। एक हफ्ता मेरी फिल्म पूरी नहीं हुई अभी, प्लीज। मैंने इस फिल्म के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। नहीं जनरल, तुमने मेरा सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या चाहिए तुम बताओ? क्या चाहिए? जो चाहिए दे दूंगा, बस है कि तुम जहाज से उतर जाओ। शिप को रंगून की तरफ लो मिस्टर हेस। मैं बर्बाद हूं, सब कुछ खत्म हो गया। जय, क्या सोचा था इसका अंत क्या होगा?
आसमान में सितारे नहीं है कैप्टन। ये क्या है? क्या ये? जरा देखो इसे। अरे छोड़ो यार, कोई कॉफी का दाग होगा। आगे जगह ढूंढते हैं और मुझे समुद्र की गहराई बताओ। जी कैप्टन।
रफ्तार पीछे जाना है। चलता हूं कैप्टन। चट्टान चट्टान सामने चट्टान है, चट्टान है कैप्टन, चट्टान है, हर तरफ चट्टान है कैप्टन। इस तुम चला डेनम की परवाह नहीं है, जहाज को जल्दी से ठीक करो ताकि जब लहरें तेज हो तो हम इसे यहां से निकाल सके। चलो जल्दी करो, हम यहां से जा रहे हैं मिस्टर हिस। तुम देख रहे हो जैक, करिश्मा अब हमारी फिल्म जरूर क्यों नहीं आता।
तुम्हारी कहानी का नायक ही कुछ ऐसा है, दिल का एक हिस्सा जो उसे जाने पर मजबूर करता है, पर उसका दूसरा हिस्सा जिसे समझना जरूरी है वो ही इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। वो उसे मार देता है जिससे उसे डर लगता है। अब आगे लिखा है, हम ये नहीं समझ सकते थे क्योंकि हम यहां से बहुत दूर थे, और हमें याद नहीं क्योंकि हम अंधकार में एक उम्र से सफर कर रहे हैं और वो उम्र बीत चुकी चली गई बिना कोई पीछे यादों के निशान छोड़े। लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है उन लकीरों को पीटने की, उन जंजीरों में बंधे दानव को ढूंढने की। पर वहां देख सकते हो एक महाकाल जो अब भी आजाद है। पसंद है? कुछ मीठा हो जाए? हाँ? लोकी? ले लू? ये अपने हाथ पकड़ो खा लो। कर रहे हो डरे? पागल मत बनो, उसे अकेला छोड़ दो। उसे चॉकलेट नहीं चाहिए।
देख लिया ना? एहसान मंद होना चाहिए ईश्वर का। और माइक का क्या? वो तो मारा गया ना, उसकी लाश तो वही है। माइक इस फिल्म के लिए कुर्बान हुआ है, वो बगैर मकसद के नहीं मरा। एक बात और बता दूं आप लोगों को, मैं ये फिल्म माइक के लिए पूरी करूंगा। पैसे पूरा करूंगा और इससे होने वाली कमाई उसके बीवी और बच्चों को दे दूंगा, क्योंकि वो आदमी हीरो है, वो इससे कहीं ज्यादा का हकदार है। हाँ हाँ, आगे बढ़ो।
दीवार के पीछे, दीवार के पीछे। क्या देखा? कुछ देखा तुमने? अपने साथ हेज और 15 आदमियों को ले जाओ, बाकी लोग जहाज पर रहेंगे। जब तक तुम वापस नहीं आते, एक पहरेदार दरवाजे पर रहेगा। चलो, तुम नहीं जिम्मी। मुझे कुछ नहीं होगा, इनमें से तो काफी को बंदूक पकड़ना भी नहीं आता। यही रुको, इस टैनो को मेरी जरूरत है। नहीं, कैमरा स्टैंड को चेंज का लेंस चलेगा, वाइड एंगल से काम चल जाएगा। गुरु बंदूकें हैं, खाना है, कारतूस है और 24 घंटे हैं। सिर्फ 24 घंटे? अब कल इसी वक्त निकल जाएंगे।
sweet sticks. I own now. What the hell kind of a place is this? चलते रहिए, ये समझ लीजिए कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मना किया था। अरे वो मुझे चाहिए। तुम्हें बंदूक नहीं मिलेगी। लेकिन आपको तो बचपन में ही बंदूक मिल गई थी। मैं फौज में था और एक ऑफिसर ने बकायदा सिखाया था। मैं बस मदद करना चाहता हूँ। चलो वो लेकिन वो थक चुके हैं। 5 मिनट आराम कर लो सब लोग और सभी नजरों के सामने रहना। कैमरा मैं इस जगह का एक शॉट लेना चाहता हूँ।
साला राक्षस। क्या ये वही है जब इस डैरों को ले गए? देखो, इतने बड़े पैरों के निशान तो सिर्फ एक ही जानवर के हो सकते हैं। भयानक है मानव के। क्या कहा ये मानव? हम तो मिल गए। वो करीब 20-25 फीट तो ऊंचा होगा। कल उसे देखा था, उसी से पूछते हैं। डिनर कहाँ चला गया? जानवरों की तरफ बढ़ो। क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो डैनर? हमारे पास ऐसे सीनों के लिए डुप्लीकेट नहीं है। तुम सीन में नहीं रहोगे तो लोग कहेंगे सब नकली है। कोई नहीं कहेगा ये जानवर नकली है। उन्हें डराओ मत, इतना मत हिलो। मैं नहीं हिल रहा हूं। Thank you.
कोई बताएगा कितने लोग ठीक हैं और कितने घायल हुए हैं? घायल? चार लोग बच चुके हैं। यह आपकी गलती नहीं है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी की गलती नहीं है। ठीक कह रहे हो प्रेस्टन, मगर मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। हबर्ट बगैर मकसद के नहीं मरा। उसने मरते दम तक वही किया जिस पर उसका यकीन था। उसका मानना था कि दुनिया में अभी भी कुछ राज है जो देखे नहीं गए, और सिर्फ एक टिकट की कीमत पर लोग वो सब देख सकते हैं। मैं कसम खाता हूं हर की आदमी ये फिल्म जरूर बनाऊंगा, और जब पूरी होगी तो सारी कमाई उसकी बीवी और बच्चों को देगा। जहाज पर लौटना चाहिए। एंगलहॉर्न के पास सिर्फ 9 घंटे हैं। लेकिन हमें तो मिस डेरेक को ढूंढना है। समझते क्यों नहीं, हम सब यहाँ फंस जाएंगे। मिस डेरेक वाज अ ग्रेट गैल, नो क्वेश्चन। शी वाज अ वंडरफुल पर्सन। इट्स अ टेरिबल लॉस एंड वी आर ऑल गोना मिस हर। मुझे मालूम था कि तुम उतने बहादुर नहीं हो जितने पर्दे पर दिखते हो, पर पता नहीं था कि तुम कायर हो। ओए राइटर, मैं एक एक्टर हूँ। असली जिंदगी और पर्दे के हीरो में बहुत फर्क होता है। असली जिंदगी में हीरो डरपोक और बदशक्ल हो सकता है, और मैं वो हीरो हूं जिसके हाथ में बंदूक तो है पर कोई मकसद नहीं। समझ गए राइटर, फिर मिलेंगे। और कौन चलेगा?
Thank you.
Thank you.
Thank you.
काल जिमी 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 उठो जिमी Thank you.
शुक्र है ऊपर वाले का। ऊपर वाले का नहीं, मिस्टर बैक्सटर का शुक्रिया अदा करो। उसके कहने पर ही हम तुम लोगों को बचाने आए, वरना मुझे तुम्हारी कोई फिक्र नहीं थी। यही तो बात है कॉकरोचों की, चाहे जितनी बार मार कर उन्हें टॉयलेट में डालो, साले वो फिर ऊपर चढ़कर आ जाते हैं। सुनो दोस्त, अब ये कॉकरोच बाहर आ गया फिर से अपने जलवे दिखाने के लिए। ड्रिस्कल, बेवकूफी मत करो, छोड़ दो उसे, कोई फायदा नहीं, वो मर चुकी है। वो जिंदा है, जैक उसे वापस लाएगा और वो बदमानुष उसके साथ साथ आएगा। हम अपना सफर कामयाब बना सकते हैं। जरा सोचो, तुम्हारा जहाज क्लोरोफॉर्म की बोतलों से भरा हुआ है, तुम उसे पकड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता, तुम तो यही करते आए हो, जिंदा जानवरों को पकड़ना। सुना यही तुम्हारा पेशा है? जैक, अपना ख्याल रखना दोस्त। मेरे लौटने का इंतजार करना। जरूर करूंगा। गुड लक। मुझे माफ कर देना।
गिराओ जल्दी से, देर है। रुको रुको रुक जाओ।
देखने के लिए पैसों की बरसात करेंगे। हम करोड़पति बनकर दोस्तों, इसमें तुम लोगों का हिस्सा भी होगा। कुछ ही दिनों में इसका नाम सुनहरी अक्षरों में चमकेगा। देश है दुनिया का आठवां अजूबा। Thank you.
देवी और सजनो, मैं आज आपको एक अजीब दास्तान सुनाने जा रहा हूं। दास्तान हमारे अनोखे सफर की, जिसमें हमारे कारवां के 17 साथी बेरहमी से मारे गए। उन्होंने अपनी जान गंवाई एक खूंखार दरिंदे को पकड़ने के लिए। एक ऐसा दरिंदा जिसे पकड़ना नामुमकिन था, मगर एक खतरनाक जानवर भी दिल दे बैठता है। जी हां देवी और सजनों, एक खूंखार जानवर ने एक खूबसूरत हसीना के सामने घुटने टेक दिए। वो हसीना आप ही के शहर की है, इसने उसका दिल जीत लिया। आज इस मौके पर शायरी याद आती है मुझे। जालिम की नजर हसीना पर पड़ी, जुआ हसीना ने रुक गई खड़ी। गुम हुए होशो हवास, खोया अपना वजूद, जालिम को भी मिला खूबसूरती का सबूत। और आप देवी और सजनों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं एक ऐसा नजारा जिसे आपने कभी नहीं देखा। वो अपनी दुनिया का बादशाह था, मगर आज आपके शहर में आपका कैदी है। देवी और सजनों, पेश खिदमत है किंग कॉन्ग, दुनिया का आठवां अजूबा। डरने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। ये जंजीरें मजबूत लोहे की बनी हुई है। Thank you.
Listen up. This is New York City, and this is sacred ground. You hear me? It was built for humans by humans, not for stinking lights and infested apes. The thought of some mutant gorilla crapping all over the streets of this fair city fills me with disgust. So this is how it's gonna be. We fight it. We kill it. We cut its ugly head off. And we rip it up at the... Thank you.
लाइन से, लाइन से खड़े हो जाइए। हाँ, 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 सामने 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 पीछे रहो। हाँ, जल्दी है। हाँ, अब आएगा। पीछे हटो, पीछे पीछे, इलाका खाली करो, चलो पीछे हटो, हटो। उसने ऐसा क्यों किया? ऐसी जगह चढ़ना जहाँ से उतरना आसान नहीं था, उसे पता होना चाहिए था कि क्या होने वाला है। बेवकूफ जानवर था, उसे क्या पता। हैरान क्यों हो रहे हो? एरोप्लेन उसे मार गिरा है।